press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रश कैमी। और मैं लेके आ गया हूँ लेसन 8 फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की वीडियो को लेकर। और फिर से वही बात मैं रिपीट करूँगा इस बार भी, अगर आपको स्लाइड से डायरेक्ट पढ़ना है और लगता है आपको कि मेरा समझ में नहीं आता है, तो आप स्लाइड शेयर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस होगी। वीडियो का मतलब स्लाइड शेयर का जो स्लाइड्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लेसन 8 फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में। सबसे पहले जो हमारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे वो ये हैं, जेंडर डिफरेंसेस देखेंगे, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में क्या होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में क्या अंतर होता है। फिर हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट्स को फिजिकल फिटनेस को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स डिटरमाइन होते हैं, पता चलते हैं। फिर एक्सरसाइजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको पिछली बार मतलब कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बताया था पिछले चैप्टर में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका हार्ट रिलेटेड सिस्टम हो गया, किस तरीके से आपका ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में। फिर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है आपका लंग्स और ये सब चीज़ें आ गई। इफेक्ट एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पे क्या पड़ता है, जो आपके मसल्स हैं आपके जुड़ी हुई हैं उस पे क्या असर पड़ता है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, यानी कि फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से, एजिंग की वजह से और रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, यानी कि उम्र के बढ़ने से और फिजिकल एक्टिविटी के रोल की वजह से क्या चेंजेस आते हैं फंक्शनल फिटनेस को मेंटेन करने में एज पॉपुलेशन में, ठीक है, यानी कि जो आपकी बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं इसकी वजह से, ठीक है, ये हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका जेंडर डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि मेजर फिजिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, जो अपीयरेंस में दिखते हैं मैन एंड वुमेन बॉडी स्ट्रक्चर में, मेल में देखेंगे फीमेल में देखेंगे। सबसे पहले मेल के बारे में स्टडी करते हैं, जो हाइट होती है ये हाइट कम से कम गेन कर लेते हैं 20 to 20 ईयर्स की एज के बीच में, 20 से 22 साल की एज में हाइट उनकी गेन हो जाती है जितनी भी होनी होती है। मेल्स जो होते हैं फीमेल से टॉलर होते हैं, लंबे होते हैं, आदमी औरतों से लंबे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं है, ज़्यादातर तो नॉर्मली होते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि वुमेन आदमी से लंबी हो, लेकिन कॉमन जो होता है आदमी ज़्यादा लंबे होते हैं फीमेल से। वेट जो होता है मेल्स हैवियर होते हैं, मेल्स का वजन ज़्यादा होता है। शॉर्टर ट्रंक लॉन्ग लेग्स सो CG इज हाई, ठीक है, जो ट्रंक होता है वो छोटा होता है, लॉन्ग लेग्स होते हैं लेग्स लंबे होते हैं, इसलिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये हाई होता है यानी कि ऊँचा होता है। इसके बाद में जो जॉइंट्स होते हैं ये लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, और जो स्केलेटन होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि बहुत ही अच्छी बोन डेंसिटी होती है। ब्रॉडर स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी चौड़े और मजबूत शोल्डर्स होते हैं, जबकि फीमेल में जो हमारे है वो हाइट गेन करती है 18 से 22 ईयर्स की एज तक, ठीक है, इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती उनकी। जो वेट होता है फीमेल्स का वो ज़्यादा नहीं होता है, कम वज़न होता है। शॉर्टर लिम्स होते हैं, अपर बॉडी लार्ज होती है इसलिए CG लो होती है, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है, ठीक है। ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स स्टार्ट्स अर्लियर, जो ओसिफिकेशन होता है बोन्स का यानी कि जो बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए फीमेल को कैल्शियम लेने की रिक्वायरमेंट होती है। नैरो एंड वीकर इन स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत ही पतली पतली होती हैं फीमेल्स और कमज़ोर भी होती हैं स्ट्रेंथ में अगर मेल से कंपेरिजन किया जाए। मेल के अंदर जो ब्रॉड चेस्ट होती है स्मॉल थोरेक्स होता है, यानी कि छाती बहुत चौड़ी होती है और जो गले का हिस्सा होता है वो छोटा होता है। स्मॉलर एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्स का हिस्सा होता है वो छोटा होता है। लॉन्गर अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स, ठीक है, जो अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स होती हैं ये ज़्यादा लंबी होती हैं। नैरोअर पेल्विस, जो पेल्विस का एरिया होता है बहुत ही कम होता है। जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा फैट कैरी करते हैं अपर एरिया में बॉडी के और एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, जबकि फीमेल में लार्जर एब्डोमिनल कैविटी होती है क्योंकि एडिशनल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, इस वजह से मेल के कंपैरिजन में उनकी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ज़्यादा बड़ी होती है। और जो पेल्विक रीजन होता है ये ज़्यादा खुला होता है और वाइड होता है, ज़्यादा फैट होता है
एक्यूमुलेशन की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से एडिपोस टिश्यूज के कई पार्ट्स पे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर हम देखें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है तो मेल के अंदर जो हार्ट का साइज होता है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है हार्ट, ठीक है, और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है मेल के अंदर, तो क्या कहते हैं, और फीमेल के कंपेयर, फीमेल में देखेंगे तो स्मॉलर होता है साइज में, उसमें साइज छोटा होता है, ठीक है, फास्टर पल्स रेट होते हैं यानी कि बहुत तेज पल्स रेट होती है, और मेल में हम देखेंगे जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है ज़्यादा होती है मेल्स के अंदर, फीमेल में कम होती है वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी मोर होता है मेल के अंदर में, फीमेल के अंदर मेल के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। जो ओ2 कैरी कैपेसिटी होती है ज़्यादा, आरबीसी काउंट होता है और हेमोग्लोबिन होता है, इस वजह से ऑक्सीजन कैपेसिटी ज़्यादा होती है कैरी करने की, और फीमेल में जो लेस आरबीसी काउंट होता है हेमोग्लोबिन होता है, इस वजह से कम कैपेसिटी होती है उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे जो मेल और फीमेल का जो टाइडल वॉल्यूम होती है ज़्यादा होती है मेल्स में, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एयर होगी इनहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि ज़्यादा हवा अंदर ले सकते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे मेल्स में, जबकि फीमेल में कम होता है, तो इसलिए जो मेल्स होंगे उनको वो गहरी सांस ले सकते हैं, जो कि फीमेल को इन कंपेरिजन टू मेल्स कम गहरी सांस ले पाएंगे। वाइटल कैपेसिटी ये ज़्यादा होती है मेल्स में, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर वन कैन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, आपने एकदम तेजी से सांस छोड़ के एकदम से सांस लेने को, ठीक है, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई जो ज़्यादा होती है मेल्स में, फीमेल्स में कम होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम ये आपकी ज़्यादा होती है मेल्स में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर एक्सपिरेटरी इज अ वॉल्यूम एक्सहेल, ठीक है, तो हवा कुछ लंग्स में रह जाती हैं, ठीक है, एक्सहेल करने के बाद में भी, इसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये फीमेल में भी ये भी कम होती है यानी कि लोअर लंग कैपेसिटी होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि मेल मतलब मेल का काफ़ी अच्छा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा था उसमें भी देखा था कि मेल का ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। अब हम तीसरे पे आ रहे हैं, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि फीमेल का कम है तो वो कम स्ट्रॉन्ग हो गया, वो है मतलब स्ट्रॉन्ग वो भी हो सकती हैं मेल से ज़्यादा, बट ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी, इस वजह से उनके जो सिस्टम है पहले से ही ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है, इससे अगर वर्क करेंगे तो वो कर सकती हैं इसको और इम्प्रूव। इसके बाद आता है मेल और फीमेल में मस्कुलर डिफेंसेस, हम देखें तो ज़्यादा मसल पावर होती है मेल के पास में लार्ज मसल स्ट्रक्चर की वजह से, और बायोलॉजिकल चेंजेस फीमेल में जो होता है प्यूबर्टी की वजह से बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि जैसे कि रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है, फीमेल में एग्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जिस वजह से रिप्रोडक्शन कर सकती हैं वो फ्यूचर में। रिएक्शन टाइम बेटर होता है मेल्स में, यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर सकते हैं मेल, जबकि फीमेल उतनी जल्दी नहीं कर सकती हैं इन कंपेरिजन टू मेल्स। मेटाबॉलिक डिफरेंस जो होता है बीएमआर बेटर होता है मेल्स में, 3000 किलो कैलोरीज के अराउंड इतना कंजप्शन हो जाता है लगभग डेली मेल का, और बीएमआर 2400 किलो कैलोरीज होता है फीमेल का अराउंड। तो ये था आपका फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस मेल और फीमेल में। अब हम देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो ये डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कई बार बता चुका हूँ मैं, जब तक फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता रहूँगा तो ये हर जगह पर ज़्यादातर आता ही रहेगा, फिर से आ चुका है। तो स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और एंड्योरेंस होती है। सारी चीज़ों को मैं नहीं समझा रहा, पर ये समझाऊंगा कि क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि आप कितनी क्षमता है आपके अंदर, कितनी ताकत है। तो मसल साइज होता है, जो स्ट्रेंथ होती है मसल की डिपेंड करती है साइज ऑफ द मसल पे, जितनी ज़्यादा आपका मसल्स का साइज होएगा यानी कि बड़ी होगी तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मसल की। फोर्स जो प्रोड्यूस होगी सेम साइज मसल की मेल्स में और फीमेल्स में अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, ठीक है, सेम साइज, मतलब मसल का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम साइज अगर मसल हुआ तो बराबर ही फोर्स प्रोड्यूस होएगा, लेकिन जो मेल्स में जो मसल साइज होते हैं ज़्यादा होते हैं, यानी कि मसल्स ज़्यादा होती हैं उनमें। कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। और बॉडी वेट जो अगर देखें तो इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा हैवी होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे लाइट वेट इंडिविजुअल्स के कंपेरिजन में। और मसल कंपोजिशन देखें तो मस्कुलर सिस्टम के जो बना होता है वो वाइट मसल और रेड मसल फाइबर से बना होता है। जो परसेंटेज होती है इन मसल्स की जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, यानी कि आपके उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, आपके बर्थ के टाइम पे ये डिसाइड हो रखा होता है, एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग, और इसको आप ट्रेनिंग से चेंज नहीं कर सकते। नर्व इम्पल्स
जो स्पीड होती है नर्व्स की, ठीक है, यानी कि जो तेजी होती है नसों की, नर्व इम्पल्सिस की, ये डिटरमाइन करती है स्ट्रेंथ को, और इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते आप ट्रेनिंग से, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं, मोबिलिटी नर्वस सिस्टम की, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ये हम किससे कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो आपकी मसल्स दबती हैं और रिलैक्स होती हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं नर्वस सिस्टम से। फ्रीक्वेंसी जो होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मसल्स की, इसको हम डिटरमाइन करते हैं एक्साइटेबिलिटी से नर्व इम्पल्स की, ठीक है, यानी कि कितनी जो नर्व इम्पल्स की एक्साइटेबिलिटी होगी, इससे फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। मसल कंपोजिशन, जो परसेंटेज होगी वाइट मसल की और रेड मसल फाइबर की, जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते ट्रेनिंग से, ये आपको पहले ही बताया मैंने। इसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करती है मसल कंपोजिशन पे, मसल साइज पर, मसल कोऑर्डिनेशन पे और मेटाबॉलिक प्रोसेस पर। मसल कंपोजिशन को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट किसी भी मसल की और जॉइंट की, ये होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रीडम होती है मूवमेंट की, इससे क्या होती है, आपको मदद मिलती है मसल्स को, ताकि ये मूव कर सकें फास्टर रेट पे और कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो सके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होती है, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है, इवन स्पीड डिटरमाइन करने में भी। बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड परफॉर्मेंस के लिए जो मसल्स होती हैं, उनको क्या चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो भी बहुत हाई रेट ऑफ कंजप्शन पे। इसके लिए, इसी पर्पज़ के लिए जो ATP और CP जो होती है, ये स्टोर्स क्या होनी चाहिए, इनफ होनी चाहिए, यानी कि जरूरत से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर स्टोर कम होएगा मसल, अगर मसल जो स्टोर हो गए कम होएगा, यानी कि एनर्जी कम है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, क्योंकि इनसफिशियंट एनर्जी सप्लाई ये जो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में। यानी कि जैसे कि एक्सरसाइज करते हो, तो आपको आपने 15-20 अगर वेट ज़्यादा है तो 10-12 सेट रैप मारे, उसके बाद आपका आप नई मसल्स को मूव कर पाओगे, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, मसल्स ब्रेक डाउन होती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर, इसलिए फिर आपको कुछ रेस्ट लेना पड़ता है थोड़ी देर का। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस, तो क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एंड्योरेंस को, यानी कि स्टेमिना को आपके डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले एरोबिक कैपेसिटी, जो एनर्जी जरूरत होती है हमारी मसल्स को, इनको हम सप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वर्किंग मसल्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड्योरेंस परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। यानी कि वर्किंग मसल्स की जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड्योरेंस परफॉर्मेंस के लिए, स्टेमिना परफॉर्म करने के लिए। और आपको ऑक्सीजन इनटेक पे डिपेंड करती है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग से। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है, इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग से। ऑक्सीजन अपटेक पे डिपेंड करती है, इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग से। और इवन एनर्जी रिजर्व्स को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग से। फिर सेकंड आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, ठीक है, ये भी एंड्योरेंस में आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्टिविटीज जो 40 सेकंड से ज़्यादा लास्ट कर रही होती है, और ये डिटरमाइन करती है एनएरोबिक कैपेसिटी को, और इसे इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग से। यानी कि आप बैटल रोप कर रहे हो, रस्सी को पकड़ के आप ऊपर नीचे कर रहे हो, तो इसमें अगर आप 40 सेकंड तक, तो आपको कुछ फ़र्क तो खैर उसमें ही पड़ेगा, लेकिन 40 सेकंड से ऊपर करना चाहते हो, तो आपकी वो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ही है एक तरीके से, कितना लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में बन रहा है, और उसको आप फिर भी, मतलब उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उतना पेन आप सह पा रहे हो, तो ये आपकी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस होती है, यानी कि स्टेमिना को आपको दिखाता है। मूवमेंट इकोनॉमी अगर हम देखेंगे, तो अपेक्स परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि टॉप क्लास परफॉर्मेंस के लिए, जो बॉडी मूवमेंट्स होनी चाहिए वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। अच्छी टेक्निक अगर होगी, तो आपकी एनर्जी और इस एनर्जी बचेगी, और आपका एंड्योरेंस भी इंप्रूव होगा, यानी कि स्टेमिना बढ़ेगा। मसल कंपोजिशन, जो परसेंटेज होती है वाइट मसल और रेड मसल फाइबर की, जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ट्रेनिंग से, आपको पहले ही बताया, ठीक है, यानी हेरिडिटरी होती है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मैंने आपको बताया था, आपके जॉइंट्स के मूवमेंट की जो आपकी कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मसल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, जो वीक मसल्स होती हैं ज़्यादा सफिशेंट फोर्स को नहीं एक्सर्ट कर सकती, यानी कि डाल सकती हैं, किस लिए, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट को अचीव करने के लिए। जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो हाईली ट्रेनेबल होती है, यानी कि इसे आप ट्रेन कर सकते हो। जॉइंट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, जो स्ट्रक्चर होता है जॉइंट का, ये एक लिमिटिंग फैक्टर होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इनमें से कुछ जॉइंट्स होते हैं इंट्रिंसिकली, उसकी क्या होता है, ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन होती है देन अदर्स, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप शोल्डर देखोगे, आप उसे मूव कर सकते हो,
आगे की तरफ भी पीछे की तरफ से, ठीक है। बट कई लेकिन अगर आप नेक को पूरे अपने हेड को मूव करना चाहोगे 360 डिग्री रोटेट तो नहीं कर सकते, ठीक है, आपका सर कट नहीं जाएगा, ठीक है। और मतलब अगर ज़्यादा करोगे तो हड्डी टूट सकती है और वो जानलेवा है। फिर इसके बाद एज एंड जेंडर, तो उम्र और उस पर भी डिपेंड करता है आपके कि आप मेल हो फीमेल, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है चाइल्डहुड के टाइम पे, यानी कि बचपन में जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। इसको भी आप एनहेंस कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो ट्रेनिंग के साथ में। फीमेल जो होती हैं, यानी कि जो औरतें होती हैं, गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, ये आपकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। स्ट्रेचेबिलिटी मसल्स की लिमिट करती है रेंज ऑफ मूवमेंट्स को, स्ट्रेचेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेनिंग से, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर जो होता है इसका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का। वार्म अप करना चाहिए हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये हाईली एडवाइजेबल होता है, यानी कि आपको एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी वार्म अप होगी यानी कि अच्छा टेम्परेचर पर होगी बॉडी, उतना ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। प्रीवियस इंजरी, अगर कोई इंजरीज आपके कनेक्टेड टिश्यूज़ हैं और मसल्स में, तो इससे क्या हो सकता है, थिकनिंग हो सकती है अफेक्टेड एरिया, यानी कि वो एरिया में काफ़ी ज़्यादा भर जाएगी चीज़ें, तो इससे क्या हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, आप वहाँ पर मूव नहीं कर पाओगे। रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इंजरी के हीलिंग के बाद में, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस का इफेक्ट देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, एक्सरसाइजेस से क्या फ़ायदा होता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, तो एक एक करके देखते हैं। इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइजेस के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, वो कुछ ये हैं। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है इन एंटिसिपेशन कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी रेस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि आप उसे लगता है कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपकी यूज होने लग जाती है। ये इंक्रीज होता है इंटेंसिटी के हिसाब से और ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज के, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी जो हार्ट रेट है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम में इंक्रीज़ होना, जो अमाउंट है ब्लड इजेक्टेड पर बीट का लेफ्ट वेंट्रिकल से स्ट्रोक वॉल्यूम, ये 2 से 3 गुना बढ़ जाता है इंटेंसिव एक्सरसाइज के टाइम पे। इंक्रीज इन कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम को आपको पिछले महीने समझाया था स्ट्रोक वॉल्यूम, अभी आप शायद आपको समझ आ गया हुआ, जो कि ब्लड एंटर करता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी जो आपका ब्लड निकलता है इजेक्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जितना ब्लड निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और ये 2 से 3 गुना बढ़ जाता है इंटेंसिव एक्सरसाइज के टाइम पे। और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट होती है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, यानी कि जब स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रही है हार्ट रेट भी बढ़ रही है तो आपकी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। रेस्ट के टाइम पे जो कार्डियक आउटपुट होती है ये होती है 5 लीटर पर मिनट, और जो इंक्रीज कर सकती है 20 से 40 लीटर पर मिनट इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम पे। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचता है टिश्यूज़ में जिसकी इमीडिएट डिमांड होती है, जिसको ज़रूरत होती है उस समय। रेस्ट के टाइम पे 15-20% ब्लड सेंड होता है स्केलेटल मसल में, इंटेंसिव एक्सरसाइज के टाइम पे 80-85% जाता है स्केलेटल मसल में, और ब्लड कम ब्लड जाता है लीवर किडनीज और इंटेस्टाइन में, और इसको स्किन में रिडायरेक्ट किया जाता है ताकि जो हीट लॉस है उसको एनहेंस कर सकें, उसकी भरपाई कर सकें। ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होता है एक्सरसाइज के टाइम पे, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये इंक्रीज कर सकता है 50-70 mmHg। डायस्टोलिक बीपी जो होता है जनरली चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। फिर उसके बाद बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है बॉडी ब्लड में रिलीज होते हैं मसल्स के थ्रू, और जो ब्लड होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करते हैं लंग्स किडनीज में एलिमिनेशन के लिए, निकालने के लिए बॉडी से बाहर, और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, इनमें से जो कुछ यूटिलाइज होते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, और जो रेस्ट होती हैं वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हो एक्सरसाइज करने के बाद में। अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि बहुत टाइम बाद इसके क्या इफेक्ट होंगे, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो डेली तो साइज जो होगा हार्ट का इंक्रीज हो जाएगा, आपका दिल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दिल बड़ा होने का मतलब आप ज़्यादा इमोशन से नहीं भर जाओगे, दिल बड़े होने का मतलब ये है कि आपकी जो हेल्थ है हार्ट की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मसल्स हार्ट के इंक्रीज हो जाएगा साइज में और स्ट्रेंथ में। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होएगा ये अडेप्ट कर लेगा ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में, जितना ज़्यादा बढ़ सकेगा, और जो हार्ट वॉल्स होएगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत और थिकर हो जाएगी। जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है ये डिक्रीज़ हो जाएगा,
ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है, रेस्टिंग हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। रेस्टिंग हार्ट रेट जो 72 बीट पर मिनट होता है, ये कितना जा सकता है, 30 से 40 बीट पर मिनट जा सकता है हाईली कंडीशनड एथलीट में, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम रेट पे हार्ट बीट करेगा रेस्टिंग कंडीशन पे। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगी रेस्ट पे। एक अनट्रेंड इंडिविजुअल स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है रेस्ट पे, वो होती है 50 to 70 मिलीलीटर पर बीट, जो इंक्रीज कर जाती है 70 to 90 मिलीलीटर पर बीट रेगुलर एक्सरसाइज के इफेक्ट की वजह से। तो आप ये मत सोचिए कि आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी, आपका ब्लड नहीं पहुंचेगा बॉडी में, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जितना खून उसे 70 बार बीट करके वो पहुंचा रहा था, 72 बार बीट करके वो 30 से 40 बारी में उतना ही खून पहुंचा रहा है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है इन मसल से सप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के टाइम पे। एक्सरसाइज में जो बॉडी होती है वो अपने नंबर ऑफ कैपिलरीज को बढ़ा लेती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, बढ़ जाती हैं, जो पहले की कैपिलरीज होती है ये भी और ज़्यादा खुल जाती है, चौड़ी हो जाती है, जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है, और यह बीपी को डिक्रीज कर देता है 10 mmHg तक रेस्ट पे। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाती है। जो बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करती है ज़्यादा आरबीसी को, ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके मसल्स में इंटेंसिव एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है। और इसके बाद इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट ही बढ़ जाता है, आपको पहले ही बताया था, शॉर्ट टर्म में भी बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में भी बढ़ता है, क्योंकि रिकवरी रेट होता है, मतलब कि बहुत जल्दी रिकवरी होती है, रिकवरी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ये भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है क्विकली, यानी कि आप बहुत जल्दी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो, तो यानी कि रिकवर जल्दी कर लेते हो। जो हार्ट डिसीज़ का रिस्क होता है ये रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन रिड्यूस हो जाता है ब्लड में सर्कुलेट होने से, और दिस इन टर्न इस वजह से क्या होता है, जो रिस्क होता है प्लेक का बनने का ब्लड वेसल में, वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इफेक्ट्स एक्सरसाइज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है और डायफ्रेगम और मसल स्ट्रेंथन हो जाती है, मजबूत हो जाती है, सेकेंड विंड अवॉइड हो जाती है, जरूरत नहीं पड़ती आपको सेकेंड विंड की। अनयूज एल्वोलाइज बिकम एक्टिविटीज, जो एल्वोलाइज होते हैं, जो अनयूज होते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो एक्टिव हो जाते हैं, और एंड्योरेंस भी बढ़ती है आपकी, ठीक है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, रेजिडुअल एयर वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एयर ले सकते हो चेस्ट के अंदर और उनको स्टोर भी कर सकते हो एक्सहेलेशन के बाद भी। साइज जो होता है लंग्स का और चेस्ट का ये बढ़ जाता है, टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाती है, वाइटल एयर कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि हर चीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बढ़ जाती है। एक्सरसाइजेस का इफेक्ट मस्कुलर सिस्टम पे क्या होएगा, जो शेप और साइज है मसल्स का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये भी फिगर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज, नई नई कैपिलरीज बन जाएगी, और फैट एक्स्ट्रा फैट को भी कंट्रोल करेगा, और जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी चेंज होएगा आपका। तो अब आ जाते हैं इस फिगर पे, ये देख सकते हैं ये लूज कनेक्टेड टिश्यूज़ हैं कैपिलरीज के अराउंड, ठीक है, ये आर्टरियल है, ये टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फेटिक कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज, टिश्यू सेल, वेन्यूल। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये मसल्स में ब्लड फ्लो के थ्रू इन मसल्स में डेवलपमेंट होएगा। इसके बाद में और क्या होएगा, एफिशिएंसी होएगी मूवमेंट ऑफ मसल्स में, मसल्स को आप इजीली मूव कर सकोगे और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से। फैटिक भी डिले होएगा, इतनी जल्दी आपको थकान नहीं होगी, और नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स भी आपकी एक्टिव हो जाएगी, जो आप फाइबर्स यूज़ नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी की वो भी यूज़ होने लगेगी। यहाँ पर फाइबर आपके न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही है, फाइबर यहाँ पर बात हो रही है जो आपकी मसल्स के अंदर फाइबर होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इस वजह से आपका फायदा होएगा मस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। और क्या होएगा, बॉडी पोस्चर रिमेंस करेक्ट, बॉडी पोस्चर आपका सही रहता है मस्कुलर सिस्टम पे अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हो, और रिफ्लेक्सेस भी इंप्रूव होते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, बेटर तरीके से और जल्दी रिएक्ट कर सकते हो, और आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन मेंटेनिंग फंक्शनल फिटनेस इन एज पॉपुलेशन, यानी क्या चेंजेस आते हैं उम्र के साथ साथ वो हम देखेंगे, सबको ही देखना ज़रूरी है क्योंकि हर किसी को इसके साथ में बुढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे होती है आपकी बोन ग्रोथ पर लॉस हम देखेंगे, और यानी कि बोन ग्रोथ और लॉस क्या हो रही है एज इन ईयर्स हैं। तो पहले फिगर देख लेते हैं फिर हम बाद में इसे इधर देखेंगे। तो शुरू में आप पैदा होते हो और वहाँ से आपकी 40 साल तक तो नहीं 35 साल तक आपकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से होती है, बढ़ते चले जाते हो आप,
और 35 साल के बाद में आपका धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लॉस होता है आपका 50 साल, 50 से 60 साल में बहुत तेज़ी से लॉस होता है, और उसके बाद स्लो लॉस होता है, यानी कि उस धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका लॉस होता है और ग्रोथ होती है एजिंग के थ्रू। जो मसल साइज में चेंजेस होते हैं और स्ट्रेंथ में चेंजेस होते हैं एजिंग के थ्रू, बदलाव आते हैं, मेटाबॉलिज्म और बॉडी कंपोजिशन भी चेंज होता है, बोन डेंसिटी तक में चेंज आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चेंज आता है। क्या क्या चेंज आते हैं वो हमने अभी देखे थे, लेकिन वो एक्सरसाइज के थ्रू देखे थे, और कुछ इन्हीं तरीके के सिमिलर चेंजेस आते हैं एजिंग के थ्रू। इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस एजिंग की वजह से हम जो है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं, नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम तक में चेंजेस आते हैं, यूरिनरी सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम आपका आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर आपका फूड एब्जॉर्ब होता है सारा, और यूरिनरी सिस्टम हो गया जहाँ पर आपका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो होता है, यानी कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो डिस्चार्ज होते हैं बॉडी से। नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन से रिलेटेड हो गया। अब देखें यहाँ पे दो हर्ट दिखा रखे हैं, ये यंग हर्ट है, ये एज्ड हर्ट है। तो यंग हर्ट जो है वो आपका ज़्यादा हेल्दी लग रहा होगा इन कंपेरिजन टू एज्ड हर्ट, ठीक है। एक हर्ट होता है दिल होता है जो आपका जिंदगी भर काम करता रहता है, ठीक है, और काम करते करते वो भी थक जाता है, इसीलिए एक टाइम पे जाके उसमें उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है बॉडी में। तो इसलिए हमें अपने हर्ट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और सेंसेस तक में चेंजेस आते हैं, आपको ढंग से दिखाई देना बंद हो जाता है, हियरिंग में आपको पहले दिखाई देना अच्छा भी होता है जब आपकी अच्छी एज होती है, तो मैं चेंज ही बोलूँगा, अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा। तो बदलाव आता है आपके विजन में भी, हियरिंग में भी बदलाव आता है, आपको सुनने में भी बदलाव आता है, टेस्ट में बदलाव आता है, स्मेल में बदलाव आता है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी और फंक्शनल फिटनेस एज पॉपुलेशन की। जो लॉस होता है मसल मास का वो रिड्यूस हो जाता है इससे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपका जो मसल मास होएगा उसका लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम मसल मास लॉस होएगा, और ये मदद करेगा बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में, ब्रेन एजिंग को भी रिड्यूस करेगा ये, ठीक है, धीरे कर देगा, रिस्क जो है एज रिलेटेड डिजीज का ये भी रिलीज ये भी कम कर देगा, और जो इम्प्रूव है मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देगा ये, कैपेसिटी को लंग्स की बढ़ा देगा, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव कर देगा, स्ट्रेस और टेंशन को भी कम कर देगा, ठीक है, और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, एज पॉपुलेशन के बता रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, चाहे एजड हो यानी कि सीनियर सिटीजन हो, करना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो अगर आपने देखा हो तो कि जो योग करते हैं बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो भी काफ़ी फिट होते हैं, एटलीस्ट वो अपना काम सारा कर सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी फिट होती है। तो किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज या कोई आप गेम स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा है और आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख सको, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और अगर आप 12th क्लास में हो या 11th क्लास में हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो सारे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और उनके भी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।